आज सुबह हो चुका है और हम रेडी हो चुके हैं और दूसरे दिन की ट्रिप के लिए। और आज 26 जनवरी है तो देश के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप मेरे बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है गाना, आप सुन सकते हो। काफ़ी अच्छा रहेगा आज का। और तो आज हम आपको ले चलेंगे कुन्नूर के ट्रिप पे, तो उधर से ही हम घर भी निकल चले क्योंकि शाम हो जाएगा हमको वहाँ पे, पूरा दिन वहीं लग जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैं घूम नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और सिर्फ 2 दिन के लिए छुट्टियाँ थी हैं मेरे पास। और आप लोगों के साथ आज नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे, तो ये देख सकते हैं आप हमारे पीछे, बहुत ही अच्छा व्यू है। बिल्कुल लोकेशन यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त है, जब भी अगर आप कभी घूमने के लिए आओ तो आप यहाँ का प्लान बना सकते हो। तो एक हफ्ते का प्लान बना लो यार, बहुत मज़ा आएगा। और आपके पास गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, तो कपल्स के लिए ये मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, आप विश्वास नहीं करोगे। बहुत ही ठंडा है यहाँ पे, धूप आ रहा है ना बिल्कुल भी, अब जैसे पहाड़ों के ऊपर धूप निकल रहा है अभी, पहाड़ों के उस साइड से थोड़ा सा इधर हमारे तरफ आया अभी सुबह से नहीं आया। फाइनली गाइस, कैसा लग रहा है आपको ऊटी के दर्शन करके? आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ऊटी के दर्शन करके, और हम भी यहाँ पे बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं। और मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था कल और आज है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और मज़ा भी काफ़ी आ रहा है। और काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी यहाँ मिल गए हैं तो मेरे गांव के साइड के, तो उनके साथ ही मैं भी अभी स्टे कर रहा हूँ यहाँ पे। और सब अभी रेडी हो रहे हैं, मैं तो रेडी हो गया पहले ही, और रेडी होंगे उसके बाद फिर हम लोग सब चलेंगे घूमने के लिए। गाड़ी वाले को फ़ोन कर दिया गया, वो 8:30 तक आ जाएगा, तो 8 बजे तक निकल जाएंगे, नाश्ता वास्ता करके रेडी हो जाएंगे, तब तक वो आ जाएगा। आने के बाद फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर पूरा दिन एक नए ट्रिप पे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि हम जो भी वीडियोस वगैरह लेके आएंगे आपके लिए तो आपको सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपका ये कौन ऊटी का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा, और कौन कौन यहाँ पे आ चुका है और कौन आने वाला है। तो सबसे पहले आज पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज उसके दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था, बचपन से धूमधाम से मनाते हुए आ रहे हैं इस दिन को, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। तो आप लोगों से भी गुजारिश है, आप भी इसे आई थिंक बहुत अच्छी तरह से इस डे को मनाएंगे क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं इस 26 जनवरी को ऊटी में हूँ, और खुशी हमारी दोगुनी हो जाती है। फ्रेंड्स, अभी हम लंच करने आए हुए यहाँ पे, और ये हमारा टेंट हाउस है, होटल का रेस्टोरेंट है। और लंच में आप देख सकते हैं यहाँ पे सांभर है, फ्राइड राइस है, इडली है, बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। और आप लोगों को और भी दिखाएंगे, अभी घूमने के लिए जाएंगे क्योंकि मेरे गाड़ी आने में टाइम है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा हमको यहाँ पे आने में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पे घर रहे हैं अभी, तो फाइनली हम लोग होटल को छोड़ के और मन्नूर के लिए निकल के, गाड़ी भी आ गई हमारी और अभी लड़के आ रहे हैं और तो लोग पेमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो ये हमारा होटल है, होटल तमिलनाडु, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, और आज हम मन्नूर का टूर कराएंगे आपको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग सही होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज आपको मैं घुमाने वाला हूँ मन्नूर का ट्रिप, क्योंकि ऊटी का हम लोगों ने कल कवर कर लिया था, 2-4 जगह छूट गया, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा जगह था। तो कल
मुझे कि ये बन ये स्टेट में रहे हैं, मैं कहाँ रहा हूँ? राजधानी में। तुम कहाँ रहे हो? राजधानी में रहा हूँ। स्टेट बड़ा होता है कि राजधानी, पहले ये बताइए। तो राजधानी होता है, फैशन जो चलता है वो अपडेटेड होता है, फैशन कभी राजधानी में नहीं चलता, फैशन इनके मिर्जापुर में चलता है, इनके मिर्जापुर में मस्त है। बादल तो आएगा नीचे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं आपसे दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये इलाका पूरा का पूरा व्यू है, आप देख सकते हो बादल बिल्कुल पहाड़ के नीचे है, उसके ऊपर भी पहाड़ है और बादल बिल्कुल नीचे है, तो यहाँ का नज़ारा क्या हो सकता है आप खुद देख सकते हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और नीचे पूरी बस्तियाँ बसी हुई है, कितने खुश नसीब होंगे ये लोग जो उस नेचर में जी रहे हैं। रियली फ्रेंड्स ये बहुत ही एक्सपीरियंस है मेरे लिए और बहुत मज़ा आ रहा है। तो एक्चुअली कैमरे का ट्राईपोर्ट नहीं है तो मैं कैमरे से नहीं तो मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, और ये बहुत ही आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ा है, बहुत एक्साइटमेंट है हो रहा है यहाँ पे आके और अच्छा लग रहा है। बस अब हम जा रहे हैं किसी और व्यू की तरफ, तो सारे लोग गाड़ियों में चले जा चुके हैं, तो मैं अभी इनके साथ ही जा रहा हूँ बैठने के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे चीज़ दिखाऊँगा और ऊटी का फुल सैर कराऊंगा और बहुत मजे आएंगे, तो बने रहिए दोस्तों। आर्मी लाएगा उसका भी तुम्हारे ही कैटेगरी का आदमी है ना, तुम्हारे ही कैटेगरी आदा मिलन सरकार है हमारा। अमित जी को बोल रहे हैं जब आदमी लाएगा तो उसका ही फुट लेंगे। अरे एटॉमिक रिसर्च में काम कर लेंगे, कौन बढ़ेगा ही हथियार ऐसी तरह सारा बना बना के। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा का पूरा चाय का ही बगान है और चाय की पत्तियां मेरे पीछे ही दिख रही है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा ये चाय का ही बगान है। ये पहाड़ पे जितने भी हैं सारे के सारे चाय के ही बगान है और बहुत ही अच्छा लगता है यार यहाँ पे आके। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप ये पूरा का पूरा व्यू बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा है, और ये पीछे आप देख सकते हैं ये पहाड़ है, पहाड़ के बिल्कुल नीचे का नीचे ही बादल है इसका, ये देखो आप ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे ही बादल है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे देखने के लिए। और आप देख लो ये अभी हम बहुत नीचे आ चुके हैं पहाड़ के, तो भी मतलब पहाड़ के नीचे बादल और भी नीचे दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा चाय का बगान ही है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी ये पूरा का पूरा पहाड़ पे ही चाय का बगान है, चाय की पत्तियाँ हैं और पता नहीं कैसे यहाँ पे पहाड़ के ऊपर ही हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए मेरे पीछे ही है, तो यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। और ये कन्नूर है तो यहाँ पे बहुत सारे साइट सीन भी बहुत अच्छा है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लिए फ्रेंड्स पूरा का पूरा है, कितना बढ़िया है और बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, हमारे इसके कुछ फ्रंट में ही है, देख लो आप पूरे के पूरे बादल के ऊपर पहाड़ है, नीचे या बिल्कुल ही अंधेरा दिख रहा है। Of course, yes, hang on.
बुल्लूर का दर्शन करा रहा हूँ मैं आपको। नहीं जी, कौन सा नशा करता है यार मेरा, हर एक से वफा करता है, छुप छुप के बेवफाई वाले दिन चले गए। चल रहे हम लोग किसी और स्पॉट पे, वो बहुत ही मजा आने वाला है। और हम यहाँ पे आ गए, आप ये देख सकते हो मेरे पीछे सारी चाय की बगानी है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतना मजा आ रहा है ना यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है और बहुत ही नीचे है। और ये सामने आप देख सकते हो मेरे बिल्कुल बराबर में, ये पूरा का पूरा स्मोक इलाका है, पूरा बादल लग रहा है, बिल्कुल ज़मीन पे आ गया है। ये देख सकते हो आप, अंदाज़ा लगा सकते हो हम कितने ऊपर हैं अभी। डॉल्फिन है, जब भी आप उठी आओ, कन्नूर में एक डॉल्फिन का इलाका है, बहुत ही खूबसूरत है, तो आप ज़रूर देखें। तो अभी देखते हैं हम थोड़ा सा और आगे जाके, लड़के कहाँ हैं, सब सारी की सारी कैब की दुकान पे कैब ले रहे हैं। वाह, कसम बजा रहे हैं आप। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, आप यहाँ पे कुछ छोटा मोटा शॉप भी है यहाँ पे, कुछ आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहाड़ों की जड़ी बूटियों से बना हुआ, ये क्या है? हाँ, वो सबके लिए बहुत अच्छा है, गेठिया बूटी के लिए बहुत अच्छा होता है, फूल उससे दर्द होता है। कोई फुल टू फुल पहाड़ों से निकाला हुआ जड़ी बूटी काफी रिलीफ फील करता है। ये आप देखो, पहाड़ों से बनी हुई शुद्ध मसाले। अबे इस सर पे लगाया जाए, कितने का ना ये? वो 140 का सर ले लो, 15% जैक करेगा, वो 15% ऑयल यही है ना, ये 3 इयर्स हो के ना, 3 इयर्स को ऊपर भी रख सकता है, ऑयल वगैरह खराब नहीं होएगा। लेट में तो कट ये सारी पेंट ले, ये वाली आएगा। हां, बिना क्या है लगाना है, लगाना मालिश करना। तो हम अभी डॉल्फिन में हैं, और डॉल्फिन में आप देख सकते हो कितना ऊपर है हम लोग, नीचे पूरा का पूरा स्मॉग दिख रहा है। ये पूरा पहाड़ी इलाका है, और पूरा का पूरा देख सकते हो बादल भी बिल्कुल हम लोगों से कितना नीचे है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम कितना ऊपर आ चुके हैं यहाँ पे। या 2,000-2,500 फीट ऊपर है हम लोग। यह पहाड़ों से एक से एक जड़ी बूटी निकलता है, जो कि लोग यहाँ से बेच बेच कर अपना गुजर बसर करते हैं और अच्छा खासा इनकम करते हैं वो लोग। तो फ्रेंड्स, डॉल्फिन में हैं हम लोग अभी, ये डॉल्फिन हाउस है,
और हम लोग डॉल्फिन हाउस के बिल्कुल नीचे ही हैं, ऊपर से आगे हम लोग। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे, आपको दिखाया हमने, बहुत ही अच्छा है। आप जब भी आओ तो डॉल्फिन ज़रूर एक बार विजिट कर लेना, बहुत ही अच्छा प्लेस है यहाँ पे। आदमी को भी चढ़ा है तो चढ़ना, तू होकर चढ़ना नहीं। मेरा बोल आई लव यू, बोल ये को होता ये को हुआ था तू लव चित लव के नहीं देखे डॉल्फिन सुसाइड पॉइंट